हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पम। देखिए अप्पम कैसे बनाया, क्या क्या सामग्री लगता है इसमें। मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया है, मैंने प्याज ले लिया है दो, मैंने हरी मिर्च कूट ली है, टमाटर काट लिया है मैंने, रिफाइंड ले लिया है, दही ले लिया है और सूजी ले लिए हैं। ये मैंने सूजी ले लिया है, इसमें से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, दही डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। जैसे मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम पानी डाल देंगे, सारी सब्जियाँ भी डाल देंगे। पहले हम टमाटर डालेंगे, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्चा, सारी सब्जियाँ मैंने डाल लिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा। कुछ डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसको हम सूजी को फूलने देंगे। आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगेगी उसके लिए भी आप कमेंट करिए, पर थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए मेरा कमेंट जरूर करा करिए, लाइक भी कर दिया करिए। इसको हम 5 मिनट के लिए फूलने देंगे। तड़के की तैयारी करते हैं। आपके पास अगर राई हो तो राई डाल दीजिएगा, अभी मेरे पास राई नहीं है तो इसलिए मैं राई नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाल रही हूँ। आइए दोस्तों देखिए कैसे बनाते हैं अप्पम। पहले इसमें हल्का सा हम तेल लगा लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं। फिर ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। पाँच मिनट के लिए इसको हम ढकते रहें, इसको हम एक बार पलट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने सारे पलट लिए हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम। आपको जो भी मन करे कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये सीखना है, तो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो रेसिपी मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। ये देखिए दोस्तों मेरा अप्पम बन के तैयार हो गया है, कमेंट में लिख के बताइए कैसा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।